बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चपली कबाब। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें चपली कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा, पिसा हुआ गर्म मसाला और खुश धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट, मकई का आटा, कॉर्नफ्लोर और ब्रीक कटे हुए टमाटर और साज मिर्च है, इस क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। ब्रीक कटा हुआ प्याज और सब्ज़ धनिया का और जो सब्ज़ मिर्च का उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इससे भी इसका जो टेस्ट है वो अच्छा होगा। तो अभी हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, सारी जो चीज़ें हैं वो मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गर्म मसाला और खुश धनिया का पेस्ट, टमाटर, इसमें हम धनिया डालेंगे, और मकई का आटा, इन सब को मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें नमक और मर्च शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको अभी फ्राई करते हैं। क्या हम टिक्कियां बना लेंगे, अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको अभी फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम जो हैं वो सारी टिक्कियां बना लेंगे। जो आपने वो इस तरह ही सारी टिक्कियां बना लेनी है और इनको फ्राई कर लेना है। देखिए जी, हमारा जो कबाब है वो अच्छी तरह फ्राई हो गया, जिसका ऑयल है वो नीचे ही जाने देंगे। इसी तरह जो हम सारे कबाब हैं वो फ्राई कर लेंगे। देखें जी, जो हमारा चपली कबाब है वो बिल्कुल तैयार है, और इसके साथ पुदीने की जो चटनी है वो इसका जो मज़ा है वो दुबाला कर देगी। जो आज की रेसिपी थी वो भी मैंने पहली बार कुक की है। तो अगर आप ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे कमेंट्स कर बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।